एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, पटना में विपक्षी एकता का महासम्मेलन हुआ नीतीश जी की न्योते पे। मुन्ना खान साहब यानी कांग्रेस से मैं कहूंगा, मेरी इस बात को गौर से ध्यान से सुने। उसके बाद पटना के लिट्टी चोखा पची नहीं क्या, तब तक महाराष्ट्र में खेला हो गया। अब फिर बंगलोर में हो रहा है जुटान, मुझे डर है फिर कहीं खेला ना हो जाए। भैया ध्यान रखना, संयोग ठीक नहीं है, सावन का महीना है और इस बार 2 महीने का सावन है। मुन्ना खान साहब बाद में ना कहना बताया नहीं, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि एक नेता के बारे में कहा जा रहा है, एके मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा, कहा जा रहा है कि वो जाएंगे बंगलोर, ठीक है जी, और दूसरी खबर साथ में आ रही वैसे ही जाएंगे जैसे प्रफुल्ल पटेल पटना गए थे विपक्षी एकता करने क्या, और पटना से लौटे तो महाराष्ट्र में सरकार ही पलट गई, खेल ही मतलब एनसीपी ही डिवाइड हो गई और एनसीपी सरकार में शामिल हो गई। मिश्रा जी, आपके सवाल हो गए नहीं, रुक जाओ भैया। मिश्रा जी, अच्छा, ये स्थिति तो बड़ी विचित्र है, नहीं अमिताभ जी, स्थिति विचित्र नहीं है, स्थिति अस्तित्व को बचाने वाली है। विपक्ष के तरफ से ठीक है, इनको बुरा लग सकता है, मैं बोलूंगा कि विपक्ष नव सृजन करे कि जो सृजित किया है अभी तक 20-25 सालों में उसको बचाए। एनसीपी का केस आप देखिए, शरद पवार जी को चाणक्य बोला जाता था, अगर उनको खेला करना होता, बाजी पलटना होता तो पलट दिए होते। पिछली बार तो 1-2 दिन में ही उन्होंने खेला कर दिया था। अब बोल रहे हैं हम नई पार्टी फिर से खड़ी कर देंगे। अरे 5 साल 10 साल 20 साल में पार्टियां खड़ी होती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो हर तरीके से बहुत कंफ्यूज्ड और कमजोर हैं। अब देखिए पीडीए का फार्मूला, केवल फार्मूला दे देने से कोई चुनाव तो जीतते नहीं है। आप इतना कंफ्यूज्ड वे में उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हो या उस मैसेज में वो वजन और क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो अपेक्षित रिजल्ट है आपके लिए वो दे पाए। इस मामले में मैं ममता बनर्जी को सही मानूंगा कि वो अपने गढ़ में बैठी हुई है, ना किसी को आने दे रही है ना किसी को जाने दे रही है। तो अपने आप को जब तक ये मजबूत नहीं करेंगे, दूसरे देखिए यहाँ पे है क्या, एनसीपी शिवसेना के भरोसे है, शिवसेना आरजेडी के भरोसे है, आरजेडी टीएमसी के भरोसे है, टीएमसी जो है उधर साउथ में किसी पार्टी के भरोसे है, अपने भरोसे कोई नहीं है। जब तक अपने भरोसे आप नहीं रहेंगे एक छोटे ही एरिया में, आप इतना दम रखिए कि आप छोटे एरिया पुराने साथी याद आ रहे हैं, ये किसके भरोसे हैं? आप बताइए ये किसके भरोसे हैं? शिवसेना आरजेडी के भरोसे, आरजेडी जदयू के भरोसे है, तो फिर बीजेपी किसके भरोसे है ये भी तो बताइए। मीटिंग का 27 दलों के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, आज 6 दलों के साथ है, अब इन्हें पुराने साथियों को याद आ रहा है, फिर बीजेपी किसके साथ है? चाटुकारिता वाली बात ना करें, चाटुकारिता वाली बात नहीं है। आप ये बताइए बीजेपी किसके साथ है? जब आज बीजेपी हमें एक मिनट नानी याद आ रही है 2024 का संग्राम कैसे जीता जाएगा, उस बात कभी आगे नहीं चलने वाली है। जनता का मूड भी बदल गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के पास जितना सहयोगी दल बनाना बना ले, लेकिन जितना जनता पार्टी के द्वारा झूठ बोला गया देश की जनता के साथ, ठीक, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं एक प्रश्न दीपक रंजन से ले लू, एक मिनट रुकिए, मुन्ना खान साहब आ रहा हूं आपका, एक प्रश्न दीपक रंजन से। दीपक भाई बड़ी चर्चा है और ये चर्चा खुद शुरू की जयंत चौधरी ने, खुद एक ट्वीट दो ट्वीट करके, अब हर आदमी यूपी में एक ही बात पूछ रहा कि जयंत बिरयानी खाएंगे कि खीर। कुछ समझदार लोग करे कि सावन बिरयानी क्या खाएंगे, खीर ही खाएंगे। क्या लग रहा है? खीर खाएंगे 2024, क्या लग रहा है भाई? खीर खाएंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बाद, बिल्कुल खीर खाएंगे, क्योंकि अमिताभ भाई समझ चुके हैं जो सत्ता पार्टी खीर है ना, उसका दूध फट चुका है और उसके दूध में उसके खीर में स्वाद नहीं रह गया, बिल्कुल खीर खाएंगे। हम कहां मना करें, उन्होंने दिन तारीख तय की है क्या, फलाने डेट को
खीर खाएंगे। खीर खाने का उन्होंने इच्छा जाहिर की है और खीर पक रही है, विपक्षी एकता मिल करके उस खीर को पका रहा है। और 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उखाड़ फेंका जाएगा ना, उसके बाद हम सब लोग मिल बांट करके हम लोग सबको खीर खाने का काम करेंगे। अमिताभ भाई आप कॉपी भाई को सब एक दीपक बाबू एक मिनट एक मिनट दीपक बाबू एक मिनट बार बार महाराष्ट्र का बिहार का यहाँ का वहां की चर्चा हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनमत का सम्मान नहीं करती, और रहा सवाल इसका कि पार्टी में तोड़ फोड़ का, अगर शरद पवार जी साथ में चले आते या शिवसेना प्रमुख जो आज की तारीख को उद्धव ठाकरे जी अगर वो साथ में चले आते भारतीय जनता पार्टी, ये तो मैं समझ सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, इन्होंने नंबर ऑफ एमएलए तो बढ़ा लिया, लेकिन इसके पीछे कितनी जनता इनके साथ जा रही है, इसमें क्या सत्यता है, आपको आने वाले आगे आने वाले ठीक आपको दिखेगा जी। दीपक बाबू एक मिनट एक सवाल तो सुन लो। सावन के महीने में ये ट्वीट करने का क्या मतलब कि बिरयानी खाओगे कि खीर, बताओ इस बात का क्या मतलब है? आपने बताया कि 24 में बनेगी और फिर बटेगी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा ये ट्वीट करने का क्या मतलब है? खीर खाने का कोई समय होता है क्या? अरे नहीं, बिरयानी खाओगे या खीर, ये इस ट्वीट का मतलब क्या होता है? बकरीद में जैन रॉय हो सकता है, यहाँ पर नहीं तो उस टाइम बाहर भी हो सकता है कि अभी आगे कोई बनेगा खाने के बाद में नहीं। बिरयानी बकरीद बीतने के बाद की बात है, खैर चलो अच्छा है। बिरयानी वेज खाएंगे कि नॉन वेज, ये भी पूछ लीजिए। ठीक मुन्ना खान, हमको अजीत सिंह जी के राजनीतिक जीवन के समय से इस परिवार को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, ठीक, और यही बातें हो रही थी प्रफुल्ल पटेल के लिए, उनको पटना ले गए थे पवार साहब विपक्ष की एकता में करने के लिए, क्या हुआ? कल जयंत चौधरी छोड़ देंगे, चले जाएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे आपका, और क्या कोई किसी का बिगाड़ लेगा? इसलिए इतना भी मतलब आप अपने सहयोगी और अपनी पार्टियां एकजुट नहीं रख पा रहे, इसमें अपनी गलती क्यों नहीं मानते आप लोग? भाई आप अपना आंगन नहीं बचा पा रहे, आप अपने सहयोगी एकजुट नहीं रख पा रहे। उपेंद्र कुशवाहा क्यों छोड़ गए, आरसीपी क्यों छोड़ गए बिहार में? अमिताभ जी जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, इसका तो उत्तर आप ही को नीतीश बाबू को देना होगा ना, ये इसका भी उत्तर कोई दूसरा देगा? मुन्ना खान एक बड़ा सवाल, पीडीए का मसला आया, आपने भी उस पर मोहर लगाई, ठीक बात है। मान लीजिए कल को कोई अपनी पार्टी एक नई बनाए और उसका नाम रख दे सर्व समाज पार्टी, तो माना जाएगा उसको पूरे भारत के सब लोग वोट देंगे, ऐसा आवाज नहीं आया? मैं ये कह रहा था कि कल को कोई एक पार्टी रजिस्टर्ड करा ले और उसका नाम रख दे सर्व समाज पार्टी, तो उसको भारत के 156 करोड़ लोग वोट देंगे, 55 करोड़, ऐसा माना जाएगा जी? मैं जवाब दे दूं जी जी। सवाल ये है कि 27 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन थी, ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। अब ये बताएं कि 27 दल में अब कितने दल हैं जो उनके साथ अभी गठबंधन है, बाकी दल कहाँ गए? उन्होंने क्यों नहीं इस दल अपनी गठबंधन को बचाया जबकि वो फुल मेजोरिटी फुल सत्ता में थे? तो गठबंधन किस तरीके से निभाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को पता कि गठबंधन को कैसे लेके चला जाता है। हमने कम लगभग 6 बार गठबंधन में सरकार बनाई, तो गठबंधन निभाने की परिभाषा हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी ताकत लगानी है, चाहे ईडी की और सीबीआई को लगा ले, आज देश की जनता देख रही है। दो नेताओं को ईडी ने जेल नहीं भेजा है लेकिन 200 नेताओं को उसने भारतीय जनता पार्टी में भेजा है, तो देश की जनता समझ रही है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को समझ आ गई। अभी हमारे मित्र कह रहे थे नेता कौन है, अरे जी लेकिन नेता कौन है, लड़ लेंगे चुनाव उसके बाद नेता का निर्णय होगा, नेता होगा कौन? हमारे गठबंधन में कोई फूट नहीं है, बिल्कुल विचार विमर्श के साथ निर्णय लिया जाएगा और एक को विश्वास में लेकर के लिया जाएगा। जब तक हम अच्छे गठबंधन का निर्माण नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छे देश का निर्माण नहीं हो सकता। हमारे गठबंधन में कोई फूट नहीं है, 2-4-10 एमएलए तोड़ने से भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ, ठीक है मुन्ना खान, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। हमें 2024 का आपको मद्देनजर देखते, बिल्कुल मद्देनजर रखिए, ठीक है। अभी रुकना होगा, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं कि
इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ, जो उनकी शहादत पर चुनाव था, सहानुभूति पर चुनाव था, उसके बाद से अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, शायद कांग्रेस कभी अपने बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। फिर उसको बहुमत नहीं मिला, वो शायद आखिरी बहुमत था जो इंदिरा जी की मृत्यु के बाद शोक लहर के कारण मिला था। उसके बाद से सरकारें बनी, नरसिंह राव की बनी और लोगों की बनी, लेकिन वो सरकारें या तो जोड़ तोड़ की थी या समर्थन की थी। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल शासन चलाया, बहुमत की सरकार, 272 कांग्रेस के पास नहीं थे, इस बात को भी समझना होगा। खैर, ओपी सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई आपके पास 27 सहयोगी दल थे, आपके सहयोगी दल भी भाग गए जबकि आपके पास सरकार है। जी, मैंने देखा था पटना में जो 18 दलों की महागठबंधन की जो बैठक हुई, जिसमें लिट्टी चोखा खाया गया, 7 ऐसी पार्टियां थी कि मिला दीजिए तो एक साथ सब। हमारा ये कहने का मतलब है कि मेरी तो व्यक्तिगत शुभकामना है, मेरी व्यक्तिगत शुभकामना है कि जितनी भी अच्छी पार्टियां लिट्टी चोखा बैठाई है वो पूरी सब्जी खा और जी भर के भाजपा को कोसे, और ये 2024 में पूरी तमन्ना के साथ भारतीय जनता पार्टी से ये लड़, क्योंकि देहात में दो कहावत बड़ी मशहूर है, एक कहावत है बानर भुड़की और एक है मुंगरी लाल का सपना, दोनों को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकती। हम चाहे जिसको बानर भुड़की दे दे और बैठे बैठे देख ले क्या प्रधानमंत्री बनेगी। अरे भाई आप जाओगे, हम बैठे हैं चैनल पर, तो हम तो कह रहे हैं ना कि भाई 2014 में इस प्रदेश की जनता ने 80 में 73 सीटें दी और 2019 में इस प्रदेश की जनता ने हमको 64 सीटें दी, तो ये मुन्ना खां भी बोलेंगे कि भाई हमारी भी एक कुछ करनी, 80 में जनता ने बचाई है। तो ये जो कांग्रेस का जो सपा कहेगी कि देखिए हमारा पूरा परिवार जो है मेरठ में वो बहन मावती के चरणों में गिर गया था, तो हम 5 पाए थे, 2 हमसे खिसक गई, रामपुर और बचे 3। आपके सपने थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन सारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस युक्त भारत हुई या भाजपा युक्त कांग्रेस हुई। अभी सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी सीबीआई का भय दिखा करके, जो जितने नेता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, अब ये बताइए कांग्रेस मुक्त भारत हुई या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई? ये बता रहा हूँ, बता रहे, जवाब दे रहे। सुनो मुन्ना खान साहब, सुनो जी, सुनिए। पहले कल का एक प्रमुख समाचार सुन लीजिए, कांग्रेस के अति वरिष्ठ नेता कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद किशन ने कहा है, बयान छपा बड़े मोटे में, उसी में आपका जवाब है कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर नेता है, उसको चुनौती राहुल गांधी नहीं दे सकते, उसको अगर कोई दे सकता है तो प्रियंका भाड्रा देगी, ये हमने नहीं करवाया। जयंत चौधरी और इन्होंने मिलकर खीर खाया, अब जयंत चौधरी कह रहे कि राजस्थान में गहलोत की सरकार को हम समर्थन देंगे और कांग्रेस के बिना चुनाव लड़ना अपराध है। तो भाई हमने ना सपा का सवाल किया गया कि आपके 27 सहयोगी आपसे क्यों टूटे जबकि प्रेजेंट में आपकी सरकार है, तो आप इस सवाल पे जवाब नहीं दोगे? कभी राजस्थान की बात करोगे, कभी पाकिस्तान की, कभी शमशान की, कभी कब्रिस्तान की, सवालों के जवाब तो आपको देने नहीं है। जो आपको पता है कि आपके चार चरित्र की वजह से आपके सहयोगी टूटे, आप इसमें बोल नहीं पाओगे। ठीक है, अभी रुकिए, केवल ओपी सिंह जी की आवाज। जी जी, इनके सीने में अवतार जी बहुत ही आग लगी है, ये बात चल रही है कि अब कुछ सैनी एक सीट ला दे रही है बचा ले। भैया सुनो, हम बैसाखी के सहारे नहीं है, बैसाखी का सम्मान करते हैं,
लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारे आ रहे हैं, ठीक है, एक एक मिनट, दोनों आ रहे दीपक भाई आ रहे हैं, ठीक है, ओपी सिंह जी आप भी रुकिए, मुन्ना खान साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए।